साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को चालाक बना रहे होते हैं। व्यक्ति की आंतरिक अंदरूनी चीजों या बातों को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे उनसे संबंधित राज वाली बातें बताएं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप सुबह पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आप दिन भर अधिक प्रसन्न और अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी का भला करने लगते हो तो आपका दिमाग पॉजिटिव अनुभव से भर जाता है, फिर आपका दिमाग बिगड़े हुए काम को आसानी से कर निकालने का उपाय खुद ही ढूंढने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक बार विश्वासघात करने वाला इंसान 100% गारंटी है कि दूसरी कई बार भी विश्वासघात करेगा, फिर चाहे वे दोस्त हो, पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर। साइकोलॉजी के अनुसार हम लोगों को इसलिए प्यार नहीं करते कि वह सुंदर है, बल्कि हम उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह हमें सुंदर लगते हैं। जो जोड़े एक दूसरे को दोस्त समझते हैं उनकी मैरिज लाइफ आम लोगों से ज्यादा खुशहाल होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप गाने सुनते हो तो गाने के अनुसार आपके दिल की धड़कन बदल जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अंदर से अकेला महसूस करता है वह आमतौर पर दोस्तों के बीच या पब्लिक में अधिक हंसता है। साइकोलॉजी के अनुसार दुखद गाने ना सुने यह आपको अधिक उदास और निराश बना देंगे, इसके बजाय अच्छे ऊर्जावान गाने सुने जो आपको अच्छा और ऊर्जा से भरे होने का एहसास करा सकते हैं। रिश्तों में बातचीत का अभाव सब कुछ बर्बाद कर देता है, क्योंकि यह जानने के बजाय कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है हम सिर्फ मान लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ध्यान से सुने कि कोई व्यक्ति आपसे अन्य लोगों के बारे में क्या और कैसे बात करता है, वह ठीक उसी तरह आपके बारे में दूसरे लोगों को बातें बताएगा। अगर कोई लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट है, इसका मतलब उसके साथ उसकी उम्मीद से विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, वह अंदर से खुद को खो चुकी है। साइकोलॉजी के अनुसार जो बच्चे सख्त माता पिता के साथ तनावपूर्ण वातावरण में बड़े होते हैं उनमें वयस्कों के रूप में अधिक सोचने की आदत विकसित होने की संभावना अधिक होती है। अगर कोई लड़की बार बार कह रही है मुझे अकेला छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि वह जाने के लिए कह रही है, उसे अब से प्यार की जरूरत है। आप एक दो मिनट का गैप दे सकते हैं या फिर उसके साथ समय बिताएं। कोई लड़का जब किसी लड़की को उसके नाम से बुलाता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अपने चेहरे को थोड़ा सा दाएं तरफ मोड़ने से और थोड़ा ऊपर देखने से ज्यादा आकर्षक लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर इंसान उस इंसान से ज्यादा आकर्षित होते हैं जिससे उसकी कोई भी संभावना नहीं होती? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़का आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है वह आप पर हद से ज्यादा गुस्सा तो करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक आपसे गुस्से में नहीं रहेगा। आप किसी इंसान के साथ बिताए हुए 4 मिनट के अंदर ही सब कुछ जान लेते हैं कि वह आपका दोस्त बनेगा या दोस्त से बढ़कर। इसलिए अगर आप एक लड़के हैं तो अपने कपड़ों और बातचीत पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं वह आपको याद करता है या नहीं, तो आपको उनसे कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। आप समझ जाओगे उसकी लाइफ में आपकी कितनी परवाह है या फिर वह आपसे कितना प्यार करता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। यह बात समझ लो, आपका इस दुनिया में आने के पीछे भी एक उद्देश्य है। इंसान जन्म दुनिया का सबसे खूबसूरत जन्म होता है। जिन चीजों को आपको करने या फिर पढ़ने में बहुत मजा आता हो उन्हें लगातार अभ्यास करते रहें। आप किसी स्किल के सरताज बन जाएंगे इस दुनिया में। आज वही सक्सेस है जिसके पास बेहतरीन गुणवत्ता वाली स्किल हो। अपने माइंड और अपने इमोशंस पर आपका अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए। यह एक फ्यूल है जो आपकी जिंदगी रूपी व्हीकल को ढंग से चलने में आपकी मदद करेंगे। सावधान रहें नेगेटिव लोगों से और खुद के लिए नेगेटिव सोचने से। जितना आपसे हो सके अपने आसपास की नेगेटिविटी को हटा दीजिए, कैसे भी करके।
साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे रूठ गया है और आप उसको मनाना चाहते हैं और वह नहीं मान रहा है, तो खुद से रूठ जाना। वह आपको सच में प्यार करता है तो वह आपको जरूर मनाएगा और खुद भी मान जाएगा। हंसते हुए आप सामने वाले से जितनी ज्यादा वक्त आंख मिलाकर हंसते हैं, आपके उस इंसान से अट्रैक्ट होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपसे तब और ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं जब आप अपने लाइफ का डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है तो वह हर बात पर सिर्फ आपकी बातें मनवाने की कोशिश करेगी। 90% लोगों का प्यार तभी सफल हो पाता है जब वह किसी की रूपरेखा देखकर नहीं, उसका आचरण देखकर या व्यवहार देखकर उससे प्यार करते हैं। प्यार में अक्सर लोग इस वजह से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वह सामने वाले की सुंदरता देखकर उससे प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है तो आप कहीं घूमने जाएं, आप नई नई जगहों पर घूमें। जब आप नई नई जगहों पर घूमने जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी काम में असफल हो रहे हैं और आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं तो आप यह बात समझ लें कि आप भी एक यूनिट पर्सन हैं और खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगी। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपसे नफरत करता है तो आप उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपकी फीलिंग हर्ट होगी और आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से डीमोटिवेट होते जाएंगे। अधिकांश बच्चे जब 2 या 4 साल के हो जाते हैं तो वह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है तब वह इंसान सब कुछ सीख जाता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखा हो। साइकोलॉजी के अनुसार आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनका भ्रम टूटे। साइकोलॉजी के अनुसार दो सच्चे प्रेमी जब प्यार में होते हैं तो उनके दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है। कभी कभी एक ही समय पर दोनों को एक ही विचार आता है। इसी कारण कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि मैं तो कॉल करने ही वाला था या करने वाली थी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी को मन से निकाल पाने में असमर्थ हो रहे हैं तो यह सीधा उस तरफ संकेत करता है कि आप उस व्यक्ति के दिमाग में भी हैं और कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी आपको अपने दिमाग से निकाल पाने में असमर्थ है।